हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रभा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बी योर बेटर सेल्फ। तो आज हम मल्टीपल एलेलिज्म को समझेंगे। जब किसी पॉपुलेशन में मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म किसी जीन के पाए जाते हैं तो उसे हम मल्टीपल एलील्स बोलते हैं और इस फेनोमेनन को मल्टीपल एलेलिज्म बोलते हैं। आसान शब्दों में कहें तो देयर आर मोर देन टू एलील्स ऑफ द सेम जीन, मतलब सेम जीन के मोर देन टू एलील्स जब पाए जाते हैं तो उसे मल्टीपल एलील्स बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा दो क्रोमोसोम है। ये कैसा क्रोमोसोम है? होमोलोगस क्रोमोसोम। और यहाँ पर हमारा एक एलील है और यहाँ पर एक एलील है। ये सेम लोकस पर प्रेजेंट होंगे, इस बात को भी यहाँ लिखा गया है। और ये एक जीन बनाएंगे, सपोज़ वो जीन है आई जीन। इसके जो एलील होंगे ना, ये तीन एलील हैं, आई ओ, आई ए और आई बी। तो यहाँ पर आई ए और आई बी मान लीजिए प्रेजेंट है। पर एक दूसरा केस भी हो सकता है कि यहाँ पर आई ओ प्रेजेंट हो और यहाँ पर आई बी प्रेजेंट हो, है ना? या फिर यहाँ पर आई ए प्रेजेंट हो और यहाँ पर आई ओ प्रेजेंट हो, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि एक जीन के मोर देन ये टू एलील्स हैं, जो क्या हैं? आई ओ हैं, आई ए हैं और आई बी हैं। ये ब्लड ग्रुप का एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है? तो ये आई ओ, आई ए और आई बी जो हैं, ये तीन एलील्स हैं। लेकिन एक समय में किसी भी जीन में बस दो तरह के ही एलील पाए जाएंगे, मतलब या तो आई ए आई बी पाया जाएगा, या तो आई बी आई ओ पाया जाएगा, या तो आई ओ आई ए पाया जाएगा, ठीक है? या फिर दोनों ही आई ए होंगे, या फिर दोनों ही आई बी होंगे। मतलब ये बहुत तरह से पाए जा सकते हैं, लेकिन ये एक समय में बस दो ही एलील प्रेजेंट होंगे, ठीक है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे एकदम आप याद कर लेंगे। तो उसी चीज़ को लिखा गया है, देयर मे बी मेनी एलील्स ऑफ ए जीन, मतलब एक जीन के बहुत सारे एलील्स हो सकते हैं इन ए पॉपुलेशन, ठीक है? बट इन डिप्लॉयड इंडिविजुअल, पर किसी भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल में ओनली टू एलील्स ऑफ ए जीन आर प्रेजेंट। किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? सिर्फ दो एलील प्रेजेंट होंगे किसी भी जीन में ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर बस दो ही एलील प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल एलीलिज्म पाया तो जाएगा, लेकिन एक समय में बस दो ही एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है? चलिए इसे और विस्तार से समझते हैं। मल्टीपल एलीलिज्म का जो बेस्ट एग्जांपल है ना, वो है ए बी ओ ब्लड ग्रुप। इसमें क्या होता है, एक जीन होता है आई जीन, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ग्रुप के लिए, और इसके तीन एलील्स पाए जाते हैं, आई ओ, आई ए और आई बी। और आई ए और आई बी जो होता है ना, ये डोमिनेंट होता है आई ओ के ऊपर, यानी आई ओ रिसेसिव होता है और आई ए और आई बी दोनों डोमिनेंट होते हैं। आई जीन यहाँ पर क्या हो गया? आइसो एग्लूटिनो जीन्स। आई ए का मतलब हो गया ए एंटीजन इस पर प्रेजेंट है, आई बी का मतलब हो गया बी एंटीजन प्रेजेंट है, और आई ओ का मतलब हो गया कि कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। तो एक पर्सन का कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ओ हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, या फिर ए बी हो सकता है। जहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप होगा ना, वहाँ पर आई ओ प्रेजेंट होगा। उसी तरह जहाँ पर आई ए या फिर आई ओ प्रेजेंट होगा, वहाँ पर ए ब्लड ग्रुप होगा। जहाँ पर आई बी या फिर आई बी आई ओ प्रेजेंट होगा, वहाँ पर बी ब्लड ग्रुप होगा। और जहाँ पर आई ए आई बी दोनों प्रेजेंट होगा, वहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ये ए बी ब्लड ग्रुप जो है ना, वो को डोमिनेंट का बेस्ट एग्जांपल है। वो तो एक बार रिवाइज करते हैं, मल्टीपल एलीलिज्म क्या है? कि जब मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स किसी जीन में किसी एलील के प्रेजेंट होंगे तो उसे मल्टीपल एलीलिज्म बोलेंगे। ड्रोसोफिला में ये 15 तरह के एलील्स पाए जाते हैं आई कलर के लिए। हमने जो हमारा बेस्ट एग्जांपल पढ़ा वो क्या पढ़ा? ए बी ओ ब्लड ग्रुप पढ़ा। इसमें एक आई जीन होता है जिसके तीन एलील्स पाए जाते हैं। जब आई ओ प्रेजेंट होता है तो ओ ब्लड ग्रुप बनता है, आई ए प्रेजेंट होता है या फिर आई ओ प्रेजेंट होता है तो ए ब्लड ग्रुप बनता है, आई बी प्रेजेंट होता है या फिर आई बी आई ओ प्रेजेंट होता है तो बी ब्लड ग्रुप बनता है। जब आई ए और आई बी दोनों प्रेजेंट होते हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप बनता है। ए बी जो है हमारा
कोडोमिनेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है, और ब्लड ग्रुप ये हमारा मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।